हेलो दोस्तों, आज हम बोर्ड की वायरिंग करना सीखेंगे। बोर्ड की वायरिंग एक्चुअल में होती कैसे, ये सबसे पहले हमने एक प्लेट लिया है जिस प्लेट में टोटल 1 2 3 4 5 5 स्विचेस है, 1 सॉकेट होगा, जिनमें से हम एक तो यहाँ इंडिकेटर भी लगा सकते हैं या फिर एक स्विच लगा सकते हैं, और एक सॉकेट का स्विच ही हो जाएगा। और 3 स्विच हो जाएंगे अपने, लाइट के रख सकते हो, पंखे के रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक टेस्टर, ये आप बेस्ट क्वालिटी का टपारियाई का ले तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बाकी कंपनी जल्दी ख़राब भी हो जाती है। और ये अपने पास है प्लायर, जिसे प्लास भी बोलते हैं, और प्लास के सिवा पकड़ भी कुछ लोग बोलते हैं। और उसके बाद हमें स्विच चाहिए, सॉकेट चाहिए, तो ये हमने 5-5 एम्पेयर के स्विच रख रखे हैं, जैसे आप देख सकते हो। वैसे यहाँ कुछ लोड का तो है नहीं, इसकी वजह से हम 5 एम्पेयर का स्विच ही रखेंगे। ये रहा हमारा स्विचेस है 5 एम्पेयर के, ये उसके स्क्रू आते हैं पैकेट के साथ ही, और ये अपने पास सॉकेट भी है। वेयर इज द सॉकेट्स, दिस इज द सॉकेट, आप देख सकते हो ये अपने पास सॉकेट भी है। ये 5 एम्पेयर का एक सॉकेट है जो कि किसी अदर कंपनी का है, मतलब जैसा कस्टमर रिक्वायरमेंट करता है, कस्टमर के अकॉर्डिंग ही ये अदर कंपनी है, कोई कोना या जीएम जैसी या गिरिज जैसी चीज़ नहीं है। सही है, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें। अब उसके बाद हमें इसको लगाना है इस कुछ इस तरीके से, ये आ गया यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने स्क्रू लगाना है, फिर उसके बाद इसे हमें इसने खोलना है, फिर ये लगा देना है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये अपन ने स्क्रू टाइट्स किए, आपको इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। कुछ कुछ लोगों का कहना होता है कि हम स्विच तो बंद कर देते फिर भी अपने को करंट लगता है, ऐसा क्यों होता है, मैं वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि स्विच मतलब आपने स्विच बंद कर रखा है फिर भी आपको करंट क्यों आता है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है दोस्तों, ये हमने स्विच और सॉकेट्स टाइट कर लिए है, और देखते हैं हम कोई स्विच हिल तो नहीं रहा है या लूज तो नहीं रहेगी हमारा स्क्रू, ये सही है। और अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। इसकी वायरिंग करने के लिए हमें कुछ चीज़ें मतलब नोट करनी पड़ेंगी, जैसे कुछ लोग इसकी वायरिंग करते समय स्विच के ऊपर में फेस डाल देते हैं, तो वो मतलब सही है, काम करता है, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप स्विच के नीचे फेस डालें। स्विच के नीचे फेस डालने से आप कुछ पहले ऐसे भी स्विचेस होते हैं कि जिसके स्विच के ऊपर अगर आप फेस डाल दोगे तो वो उल्टा काम करने लगता है, इसकी वजह से आप स्विच के नीचे ही फेस डालें तो वो बेहतर है। ऐसा नहीं है हर स्विच उल्टा काम करे, लेकिन कुछ होते हैं जो पहले के ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब के टाइम पे जो भी है स्विच पे अगर आप उल्टा करोगे तो ये ऊपर फेस डालोगे तो उल्टा काम करने लगेगा, इसकी वजह से हम स्विच के नीचे फेस डालेंगे। स्विच के नीचे फेस डालने से पहले इतना बड़ा वायर हमने जो कि पहले से नाप के छील चुके हैं, तो अब हम इसको छील के इसको इस तरीके से काटते हैं। ठीक है, हमने छिल दिया, अब इसको काट दिया, अब इसको कुछ इस तरीके से मोड़ेंगे इसके कॉपर्स को, ताकि ये टाइट हो जाए और हमारे स्विच के अंदर अच्छे से चले जाए। उसके बाद हमें स्विच के नीचे के हिस्से में, यह ध्यान रखने वाली बात है कि स्विच के नीचे के हिस्से में हमें फेस डालना है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। हमने स्क्रू लूज कर लिए हैं, अब हम इसके नीचे में डालते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन। अब कुछ लोग कहते हैं भैया हमें करंट क्यों लगता है स्विच बंद करने के बाद भी, तो मैं बताता हूँ आपको करंट क्यों लगता है। आप जैसे कि हमने फेस तो हमने स्विच के नीचे अंदर ही डालना है, अगर हमने फेस स्विच के अंदर नहीं डाला, अब जैसे हमने ये स्विच के अंदर डाल रहे हैं फेस वायर, ये अगर हमने इसको फेस वायर स्विच के अंदर नहीं डाला और सॉकेट में डाल दिया गलती से, ऐसा हो जाता है, गलती से हो जाता है, स्विच के अंदर फेस नहीं न्यूट्रल चला जाता है और न्यूट्रल की जगह फेस चला जाता है, इसकी वजह से हम जब स्विच बंद करते हैं तो हमारा जो ब्रेक होना चाहिए, जो वायर हम स्विच बंद करते हैं तो हमारा ब्रेक वायर होना चाहिए था फेस वायर,
लेकिन वो उल्टा हो जाता है जहाँ कि न्यूट्रल ब्रेक होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ हमारा न्यूट्रल जाना होता है वहाँ फेस पहुँच जाता है, और हम जब बंद करते हैं तो वो न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट सेपरेट रहता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। अब ये देखो हमने ये टाइट कर दिया है जो बच्चा, हमने इसको यू मोड़ दिया। अब हमारी स्विच के तो सारे कंप्लीट हो गए, ये फेस डाल दिया। एक हम यहाँ से यहाँ डालेंगे नीचे वाले पॉइंट में, और एक यहाँ से हम यहाँ, ये भी ध्यान देखना जिसमें एल साइड हो, जिसमें एल साइड हो आपको उस तरफ ही ये वायर काट के डालना है। एल साइड में डालने का ये होता है जब कोई भी अप्लाइंस आप घर पे यूज कर रहे हो तो उसमें कुछ इस तरीके से ही काम, इस तरीके से उन्हें बनाया जाता है कि उसका फेस हमारा राइट साइड में ही, सॉकेट के राइट साइड में ही आए। अगर हम उल्टा कर देते हैं तो हमारे घर के अप्लाइंस में भी करंट आ जाता है। जैसे आप कई बार देखते होंगे कि आपके फ्रिज में करंट आ रहा है या कुछ, तो बहुत चांसेस, अर्थिंग की भी चांसेस होती है, लेकिन काफ़ी हद तक हम इससे भी सुधार कर सकते हैं बिना अर्थिंग के भी कि आपके घरों पर करंट ना आए, अगर आप ये सीधा लगा दें तो। अगर जिस तरफ एल लिखा हुआ है उसी तरफ हम कर लगाए तो, जैसे कि ये देखो इस तरफ हमारा एल लिखा होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे एल लिखा आ रहा होगा और इस तरफ एन लिखा आ रहा होगा, दिख रहा है ठीक है। और ये हमने कर दिया, इसे टाइट कर देते हैं, ये हमने इसे भी टाइट कर देना है। ये देखो ये हमारा बोर्ड का सॉकेट की वायरिंग, सॉकेट के हमने कैसे लिए, देखो स्विच के ऊपर से एल वाली साइड में लिए ठीक है। अब ये हमारा इस स्विच का रह गया है, इस स्विच का भी हम कुछ इस तरीके से लेंगे, वायर ना लिया ये वाला लास्ट का पॉइंट ले लो या कोई सा भी पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको इसमें भी कर देना है, लगा देना है, आई मीन टू से दैट इसको लगा दिया। अब इतना वायर नाप के काट लो और ये अपना कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड की वायरिंग, जिसमें अब न्यूट्रल न्यूट्रल देना रह जाएगा। अब अपने पास एमसीबी बॉक्स से दो वायरें आ रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे एमसीबी हमारा मैन मीटर से तो दो वायर आ रहा है, हम किसको किधर लगाए, तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मान लो अपना मीटर से दो वायर आ रहे हैं ठीक है, ये दो वायर मीटर से आ रहे हैं, मान लो एक अपना फेस है एक अपना न्यूट्रल है। और फेस न्यूट्रल वो तो आप चेक कर लोगे, वैसे आपको दो दो वायर, दो अलग अलग कलर के वायर लो तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसकी वजह से मैंने रेड वायर, तो यहाँ अलग वायर कोई कलर नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आप वहाँ मीटर से आपके पास एक वायर आ रहा होगा जिसमें करंट होता है, एक वायर होता है जिसमें करंट नहीं होता, आप वो टेस्टर की सहायता से चेक कर सकते हो। और ये हमने दो वायरों को छीन लिया। अब देखो इसके अंदर, जिसके अंदर करंट आ रहा है उसको हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट में अटैच कर देंगे। ये देखो स्विच के नीचे वाले पॉइंट में हमने डाल दिया, ये अटैच हो गया। अब अपना ये आ गया न्यूट्रल का वायर ठीक है, ये अपना न्यूट्रल वाला वायर हो गया, इसमें करंट नहीं आ रहा होता है उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अपना इस तरफ एन लिखा होता है न्यूट्रल साइड, उसमें डाल देंगे हम ठीक है। ये न्यूट्रल की साइड में हमने डाल दिया है, और अब अपना अर्थिंग का पॉइंट रह जाएगा। अब अर्थिंग का पॉइंट डालने के लिए अपने को ग्रीन वायर चाहिए, क्योंकि अपने पास ग्रीन नहीं है तो उसकी वजह से मैं एक छोटा सा मेरे पास रेड कलर का टुकड़ा है वो मैं डाल दूंगा। ये अपने को मीटर के पास आपके कोई नट लगा आता है या फिर आप खुद से भी बना सकते हो अर्थिंग, वहाँ भी डाल सकते हो। ये ऐसा तो खैर नहीं करना चाहिए, मैं कलर कोडिंग ही वायरिंग करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसके अंदर, इसकी वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये अपना अर्थिंग साइड है, ये जहाँ ये अर्थिंग का लोगो कुछ इस तरीके का रहता है, मैं आपको दिखा दूँगा आपको वीडियो में, ये अर्थिंग का लोगो होता है और अर्थिंग हमेशा ऊपर वाले पॉइंट में ही आती है ठीक है, हमेशा अर्थिंग ऊपर वाले पॉइंट में आती है। ये हमारा कंप्लीट सर्किट तैयार हो गया। इस तरीके से अब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस यहाँ करंट आ जाएगा और अपना होम अप्लायंस का आप जो भी चीज़ चालू करना चाहते हैं वो चालू हो जाएगा। और आप कह रहे होंगे ये सब स्विचेस के हमने तो कोई यूज नहीं किया, तो इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इनकी वायरिंग, लाइटों की वायरिंग कैसे होती है ठीक है।